बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चने वाला पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। चने का पुलाव बनाने के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, ये वाइट चने मैंने एक बॉल ले लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। ये देखें, चने इस तरह होने चाहिए कि चना, ये देखें, टूट जाए चने ना, बिल्कुल गले हुए चने होने चाहिए। एक कप ही मैंने चावलों का लिया, एक कप ही चनों का है। एक बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज है, दो अदद टमाटर मैंने लिए, छः अदद हरी मिर्ची हैं, दो चम्मच इसका लहसुन का पेस्ट और दो चम्मच अदरक का पेस्ट है, एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और एक तेज़पत्ता लिया है मैंने, और दो अदद दालचीनी के ये मैंने पीसेस लिए हैं। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, एक टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, एक टीस्पून मैंने नमक लिया है पिसा हुआ। अब शुरू करती हूँ हसबे ज़रूरत ऑयल है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में शामिल किया है, अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने ऑयल डाला है, प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करें, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। तेज़ पत्ता और जीरा, दालचीनी शामिल कर रही हूँ, गरम मसाला पाउडर और नमक, काली मिर्ची मैं एंड में डालूँगी। ठीक है, मैं इसमें चने शामिल कर रही हूँ। एक कप इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि एक कप ही हमारा चावलों का है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल पुलाव है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। चावल पकेंगे तो थोड़ी देर बाद हम इसको ढक के रखेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो गया, मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके दम पे लगाने लगी। ये देखिए, ये काली मिर्च मैंने मिक्स कर ली। अब मैं इसको चावलों को दम पे लगाऊंगी। दम पे कितने अच्छे आ रहे हैं। अब मैं इसको डिशवर करूँगी। ये देखें, चावल कितने ज़बरदस्त हो गए हमारे। अब मैं इसको डिशवर करूँगी। ये देखें, हमारे चावल तैयार हो गए हैं। चने पुलाव बहुत अच्छा तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें रमज़ान मुबारक में। अस्सलाम वालेकुम।